हेलो, ये बॉस की कार है ना? अरे कार पंचर। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? बस मैं आ रहा हूँ ना। तुम वहाँ गए क्यों? अरे 5 मिनट में आ रहा हूँ। अरे हमको उससे मतलब नहीं है, माँ उधर वेट कर रही है, जल्दी आओ। अब बीच में छोड़ के कैसे आ जाऊँ बीबी? वो लोग देख लेंगे। बस बस काम खत्म हो गया। तुम सब क्यों कर रहे हो ये सब? अरे हेलो अरे कौन है भाई? रॉन्ग नंबर था, चल पाना। हाँ, देता हूँ। दादा समझता है। भाई ने बोला ना चल जा, एक ऑटो क्या ले लिया है, आपको बहुत शहर लगता है, मार के फेंक दो इसको। दादा समझ है, मारो कमीने को, बंदे को भी तोड़ दो इसकी रिक्शा। पुलिस की वर्दी पहन लिया तो क्या शेर बन जाएगा तू? जन्म से शेर बनते हैं। अरे पागल, हमारी बिरादरी में लड़के नहीं है क्या? हाँ? ए, 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 तेरा बाप कैसे मरा पता है ना? ऐसे ही हमारे जात वाली लड़की को दूसरे जात वाला लड़का भगा कर ले गया। तेरे बाप ने उसको काट कर रख दिया और उसके बाद जब दंगे हुए तो तेरे बाप को जिंदा जला दिया गया और उस दिन से आज तक तेरा खाना पीना रहना चलना बोलना पढ़ना लिखना सब मेरे पैसों से हुआ। तूने बताया नहीं इसको अभी तक? भाई क्या हुआ? इधर बाजू में मेरे दोस्त की दुकान है, मैं वहाँ जाके टायर बनवा के लाता हूँ। ये अपना मानव है ना, ये आपको छोड़ देगा वहाँ तक। स्मार्ट बनके इन करके बाल वाल बना कर आया है ये तो, अब क्या गाड़ी चलाएगा? हाँ भाई क्यों नहीं चलाएगा, मानव छोड़ देना बॉस को। अरे मानव बेटा हाँ गाड़ी निकालो जल्दी चलना है। हाँ बस 10 मिनट लगेगा, आप फिकर ना करें, या तो डील खत्म और या तो जल्दी हो ना। वैसे भी 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ठीक है पहुंच जाऊंगा ना? हाँ भाई पहुंच जाओगे। अरे ले चल इसे। ए चुपचाप चल। क्या करे अधिकार जो ये बजाई लुट रहा है। अरे मेरा ऑटो जो हो रहा वो क्यों भला, वो भी भला क्यों हो रहा, क्या करे अधिकार जो ये बजाई लुट रहा, इस समय जो हो रहा वो क्यों भला। कैसे असुर जैसे करते हैं ऐसा, कैसे चला के तुझे के घर को बसे में ये कैसे रहते, इन्हें भी बताना होगा, पापों को गिराना होगा, इनके किए की सजा इनको दिलाना होगा, इन्हें समझाना होगा और ये बताना होगा, रसी तो बिना आई तो फिर ये जमाना होगा। हॉस्पिटल
हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। आ जाओ आ जाओ, आओ भाई आओ। उनसे बात करके कॉल करता हूँ तुम्हें। मानो गाड़ी साइड में लगा के निकल जा। ठीक है भाई। ए, तू इधर क्यों आया? बस 5 मिनट में जा रहा हूँ यार मैं। मैं आ रहा हूं। छोड़ो, सुनिए सुनिए सुनिए। नमस्ते मामा। आपसे यहाँ क्यों लेके आए? देखो, आजकल की लड़कियों का क्या भरोसा। जब वो हिम्मत करके पुलिस स्टेशन तक चली गई तो कुछ भी करेगी। आज तो खींच कर किसी प्रकार लेकर आ गए, लेकिन आगे जिंदगी भर उसका वाचमैन नहीं करता रहूंगा क्या मैं? उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, समझाओ उसे। उसके खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। आज के बाद वो कहीं भी जाएगी तो हमारे लड़के उसके साथ रहेंगे। आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आप उसके साथ रह सकती हो, लेकिन जब तक उसका दिमाग ठिकाने न आ जाए वो यहीं रहेगी, समझी? साहब, मैं उसे संभाल लूंगी। साहब, मालूम है ना, लड़की घर से भाग गई तो हाथ पर तोड़ के बिठा देता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? संभालिए अपने आप को। हाँ, जाइए जाइए, इनको ले जाके घर तक छोड़ो। आइए मैं। कहां से पकड़ा इसे? बहुत मासूम है, भोली है, अंधी भी है। अंधी है पर बहुत होशियार है। उसके बाप को कॉल किया क्या? कर दिया भाई, बिल्कुल घबरा गया भाई, साइन करने तैयार है। हाँ। नाम क्या है उसका? सुरेश अन्ना। भाई उसी का वही है क्या? उठा उठा। हे सुन, हाँ? थोड़ा पानी है तो दे। हाँ हाँ। हे मारन, हाँ? गाड़ी से पानी निकाल के भाई को दे। लाता हूँ जल्दी। अभी लाता हूँ। 10 मिनट तक रुकेंगे, देखो क्या फैसला करना है, वरना तुम्हारी मर्जी, हम देख लेंगे तुमको। क्या हुआ? बात हो गई भाई उससे, वो राजी हो गया बिल्कुल। भैया, मानो भैया। हाँ? थोड़ा पानी दोगे? प्यास लगी है। Oh,
कौन है? कौन है वो? मुझे नहीं पता। बता। मुझे नहीं पता। जासूसी कर रहा है क्या? सच बोल, किसने भेजा तुझे? मैं सच कह रहा हूँ। नहीं भाई, अंधी होगी, उसने तुझे देखा लेकिन तूने उसे नहीं देखा। भाई मुझे एक मिनट दो, मैं उसे पूछता हूँ कि वो मुझे कैसे जानती। बेटा आप मुझसे पहले कहाँ मिले हो?